हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। तो जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स यदि थोड़ा स्ट्रांग रखेंगे, वैक्सीनेशन ड्राइव को वहाँ पर हम थोड़ा तेज़ करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, तो फिर थर्ड वेव का बड़ा खतरा तो नहीं रहेगा। सर, अगर उड़ीसा की बात करें, इन्फेक्शन रेट नीचे काफ़ी गया है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो, और भी स्टेट है जहाँ पर काफ़ी कम जो है अभी पॉजिटिविटी रेट है, आपको लगता है कि वहाँ जिस तरह से अभी अनलॉक हो रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर थर्ड वेव को और इन सब चीज़ों को देखकर स्ट्रिक्ट मेजर्स अभी भी लेने की ज़रूरत है? हाँ, अभी भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को पहले अलाउ नहीं करना चाहिए, जो कि अभी उड़ीसा में अलाउ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई आउटडोर कंग्रीगेशंस, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस जो गैदरिंग्स वगैरह है, उसको पूरा बैन है, वो बैन कंटिन्यू करना चाहिए। और इंडोर गैदरिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन से वो भी रहना चाहिए, जैसे कि वो अलाउ कर रहे हैं कोई मॉल में जाए, कोई रेस्टोरेंट में जाए 50% कैपेसिटी, और उसमें जो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जाए, वो बिल्कुल सही कदम है। तो उसके ऊपर देखा जाए कि बाई चांस केस लोड बढ़ता है तो उसके ऊपर शायद पहले रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। एक ये जो मेजर्स है उसके ऊपर कैसे लोग फॉलो करेंगे, उसको उसी हिसाब से सोशल अवेयरनेस मेरे हिसाब से क्रिएट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको किस तरह से लोग फॉलो करें। वो करेंगे मेरे हिसाब से, वो तो लग रहा है कि वर्स्ट फेज तो हमने डेफिनेटली पास कर गए, आगे भी जाके हमें वो तीसरा थर्ड वेव का भी बड़ा खतरा हमें नहीं ले सकते। थर्ड वेव का भी इफेक्ट मुझे जो लग रहा है कि कम रह गया यदि हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे, और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट सर्विलांस भी करना चाहिए कि नई स्ट्रेन कुछ निकल रहा नहीं हो रहा, जेनेमिक सिक्वेंसिंग करना चाहिए, बाहर से जो पैसेंजर आ रहे हैं तो उनको ऊपर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, तो उनको देखना पड़ेगा कोई केस बाहर से कुछ स्ट्रेन आ रहा है कि जो इंडिया में अभी प्रिवेलेंट नहीं है। इवन प्लेसेस जो केरला वगैरह में जो लोग आ रहे हैं तो वहाँ भी देखना पड़ेगा कि कुछ प्रिवेलेंट स्ट्रेन तो नहीं है जो कि पहली बार निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर नज़र डालना चाहिए। देखिए काफ़ी सारे स्टेट अभी केरला से जो पेशेंट आ रहे हैं या मरीज लोग आ रहे हैं उनके ऊपर एक आरटीपीसीआर नेगेटिव का रिपोर्ट लेके आने के लिए बोल रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि केरला एक स्टेट है जहाँ से लग रहा है कि एपिसेंटर होगा थर्ड वेव का।